सुप्रीम कोर्ट में आज से शुरू होगी राम जन्मभूमि विवाद की सुनवाई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज यह तय करेगी कि अयोध्या विवाद पर सुनवाई रोजाना होगी या नहीं। अयोध्या मामले में पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा, अध्यादेश लाने की बात करने वाले माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने मामले की जल्द सुनवाई और राम मंदिर के निर्माण की उम्मीद जताई। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा कि लोग जल्द इस मामले का निपटारा कर राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट को राम मंदिर पर जल्द फैसला सुनाना चाहिए। वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने राम मंदिर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर सवाल उठाए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों केंद्र सरकार से कानून बनाकर राम मंदिर के निर्माण की मांग की थी। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने भी अयोध्या में जल्द से जल्द राम मंदिर के निर्माण की इच्छा जताई है। वरिष्ठ वकील केटीएस सोलसी ने कहा कि राम मंदिर पर सर्वसम्मति से कानून बनाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना ही सही रहेगा। संविधान के जानकार सुभाष कश्यप ने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा। अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित भूमि को रामलला निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम वादी के बीच बांटने का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। विवाद के बीच अयोध्या के कारसेवकपुरम में राम मंदिर के लिए पत्थर तराशे जा रहे हैं। अब तक राम मंदिर के लिए 1,00,000 घनफुट पत्थर तराशे जा चुके हैं। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में एफआईआर रद्द करने की मांग। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीएम की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से की। कहा, आप बिच्छू को ना तो हाथ से हटा सकते हैं ना ही चप्पल से मार सकते हैं। शशि थरूर के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, शिवलिंग पर चप्पल मारने की बात अपमानजनक, माफी की मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अपने बयान से थरूर ने पीएम मोदी का ही नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया है और भगवान शिव का भी अपमान किया है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने भी शशि थरूर पर हमला बोलते हुए कहा कि वो हिंदुओं को लगातार अपमानित कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर से कांग्रेस विधायक परिणीति शिंदे के बिगड़े बोल। पीएम मोदी को कहा डेंगू मच्छर। पूर्व गृहमंत्री सुशील शिंदे की बेटी हैं परिणीति। दो दिनों के एमपी के दौरे पर राहुल गांधी आज उज्जैन में महाकाल के करेंगे दर्शन। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद राहुल गांधी रैली भी करेंगे। राहुल की रैली को लेकर जोरदार तैयारियां। हैदराबाद में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर वार किया। हिंदू आतंकवाद की बात करने वाले आज कल खुद को जनेऊधारी हिंदू कहते हैं। हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, एक बार फिर मोदी सरकार बना दें, 19 मई के बाद देश भर से घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, सबरीमाला मंदिर पर लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उल्लंघन के लिए भड़का रहे हैं अमित शाह। 2019 लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र के लिए लोगों के सुझाव लेने के लिए घोषणा पत्र वेबसाइट की शुरुआत करेगी कांग्रेस। गुजरात के मोरबी जिले में सिंचाई परियोजना में भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस विधायक परसोत्तम सबड़िया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने बीजेपी नेता नंदलाल मुड़ाबी पर धारदार हथियारों से हमला किया, हालत गंभीर। नक्सलियों के हमले में घायल बीजेपी नेता को हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए रायपुर भेजा गया। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के हमले के बाद स्थानीय बीजेपी नेताओं में काफी गुस्सा है। जापान में आज भारत जापान 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन। सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर होगी बातचीत। जापान के यामानाशी में जापानी पीएम शिंजो आबे ने पीएम मोदी को चॉपस्टिक से जापानी खाना खाने का तरीका बताया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एसआई इम्तियाज मीर को दी गई श्रद्धांजलि। आतंकियों ने अगवा कर की थी हत्या। कल घर जाते वक्त आतंकियों ने एसआई इम्तियाज मीर को अगवा कर लिया था और फिर उनकी हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने पीडीपी के एक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। पंजाब के फिरोजपुर में दो पाकिस्तानी सैनिकों को बीएसएफ ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार पाकिस्तानी सैनिकों के पास से सिम कार्ड, पाकिस्तानी करेंसी और सेना के आई कार्ड मिले। पूछताछ जारी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजों को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज।
दिल्ली के तिमारपुर इलाके में बायोडाइवर्सिटी पार्क के पास ट्रॉली बैग में मिला 7 से 8 साल की बच्ची का शव। दिल्ली के तिमारपुर इलाके में मिले बच्ची के शव की पहचान नहीं हो सकी है, माना जा रहा है कि गला दबाकर बच्ची की हत्या की गई। मुंबई के करीब पालघर में पति ने महिला को दिया 3 तलाक, पति और वकील के खिलाफ केस। मुंबई में लोकल ट्रेन की सुरक्षा पर सवाल, गोरेगांव और राम मंदिर स्टेशन के बीच लोकल ट्रेन पर पत्थरबाजी। मुंबई लोकल पर हुई पत्थरबाजी में घाटकोपर का रहने वाला शख्स बुरी तरह से जख्मी। मुंबई सटे भिवंडी में गैस कटर से ईटीएम मशीन काटकर 10 लाख रुपए की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। महाराष्ट्र के पुणे में 35 साल का एक शख्स सेल्फी लेते वक्त नाले में गिरा, बाल बाल बची जान। बिहार के बेगूसराय में छात्रों का अपहरण करके कुकर्म के लिए मजबूर किया, बाद में गोली मारी। बिहार के दरभंगा में बच्चों के झगड़े के बाद चली गोली में युवक जख्मी, 5 दिन में गोलीबारी की 5वीं घटना। बिहार के बेतिया में बार बालाओं के साथ स्टेज पर डांस करने वाले दरोगा को एसपी ने निलंबित किया। बिहार के पूर्वी चंपारण में गैस भरते वक्त सिलेंडरों में आग से विस्फोट, आग पर काबू पाया गया। मध्यप्रदेश के इंदौर में 4 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या के शक में एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में व्यापारी के घर बम धमाके का खुलासा, एक तरफा प्यार में बेटी के प्रेमी ने ग्रेनेड से हमला किया था। यूपी के मुरादाबाद में मोटरसाइकिल चोरी के शक में युवक की पिटाई, वीडियो वायरल। यूपी के सीतापुर में गाय का शिकार कर रहा तेंदुआ कुएं में गिरा। कुएं में गिरे तेंदुए का वीडियो बना रहे हैं लोग, तेंदुए के रेस्क्यू के लिए वन विभाग की टीम रवाना। पश्चिम बंगाल के हुगली में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कार में आग लगी, ड्राइवर को बचाया गया। दिल्ली में डीटीसी कर्मचारियों के समान वेतन व्यवस्था के लिए हड़ताल जारी। डीटीसी कर्मचारियों के धरने में पहुंचे स्वराज इंडिया प्रमुख योगेंद्र यादव ने केजरीवाल सरकार को भ्रष्ट बताया। दिल्ली में रविवार को हवा की सबसे खराब क्वालिटी दर्ज की गई, एयर क्वालिटी इंडेक्स 381 पहुंचा। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर 20 अक्टूबर को लगी आग का आसपास रहने वालों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण गाजियाबाद में डीएम ने 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक निर्माण पर रोक लगाया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में किसानों ने पानी की कमी को लेकर प्रदर्शन किया। यूआईडीएआई ने कहा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बैंक में आधार नंबर का इस्तेमाल जरूरी है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने फिल्म बधाइयों के निर्माता निर्देशक को धूम्रपान के दृश्यों के लिए नोटिस भेजा। राजस्थान के उदयपुर में गायक कैलाश खेर को यौन शोषण के आरोपों के बाद दिवाली फेस्टिवल के कार्यक्रम से हटाया गया। भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा पर बन रही बायोपिक में काम करेंगे शाहरुख खान। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा वनडे आज मुंबई में दोपहर 1:30 बजे से मैच। टीम इंडिया ने मुंबई के ब्रबॉन स्टेडियम में पसीना बहाया, खराब फॉर्म से जूझ रहे धोनी स्थानीय गेंदबाजों के साथ नेट्स में प्रैक्टिस करते दिखे। 5 मैचों की सीरीज में भारत वेस्टइंडीज 1-1 की बराबरी पर है, आज एक मैच टाई हुआ था और आज है चौथा मुकाबला। चौथे वनडे में आज चोट के बाद लौटे केदार जाधव की होगी वापसी, मध्यक्रम को मिलेगी मजबूती। पाकिस्तान ने दुबई में ही टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से धोया, तीसरे मैच में 33 रन से जीत हासिल की। ओमान में भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन चैंपियंस हॉकी का फाइनल, बारिश की भेंट चढ़ा, दोनों टीमें संयुक्त विजेता घोषित। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।